हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि झारखंड एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, क्या डेट है, इसके सारे प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप कहीं भी स्किप ना कीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड एसएससी का है ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल का। तो जैसे कि देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट झारखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो पोस्ट डेट कब है? आज ही का है, मतलब 15 जनवरी 2022 11 PM पे आया हुआ था। शॉर्ट में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको। तो इसके लिए डेट क्या है, मतलब एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन के लिए 15 जनवरी 2022 और लास्ट डेट कब है? 14 फरवरी 2022। तो इसका लास्ट डेट 14 फरवरी है और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फी का कितना है? 16 फरवरी 2022, मतलब 2 दिन आपको मिलेंगे और एप्लीकेशन लास्ट डेट पे के बाद भी पे कर सकते हैं एग्ज़ाम फ़ी। और अभी इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, ना ही एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आ जाता है। अभी एग्ज़ाम का कोई डेट वेट नहीं दिया गया है, पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो इसमें कितने पोस्ट हैं? 956 पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट हैं। और यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी का फ़ी कितना लग रहा है? 100 रुपीज़ और एससी एसटी का 50 रुपीज़ बस लग रहा है। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो कब से लिया जाएगा? 1 अगस्त 2021 से ये एज लिया जाएगा। एज लिमिट 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो यहाँ पे वैकेंसीज डिटेल्स टोटल दिए गए हैं, 956 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का 384 है, जूनियर का 322 है, ब्लॉक सप्लाई का 245 है, प्लानिंग असिस्टेंट्स का 5 है। यहाँ पे पोस्ट नेम भी दिए हुए हैं, कौन कौन से पोस्ट में, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। तो 163 UR के लिए, EWS के लिए 38, BS के लिए 39, EBS के लिए 45, SC के लिए 51, ST के लिए 48, टोटल 384 हैं पोस्ट। और ऐसे ही जूनियर के भी हैं, ब्लॉक सप्लाई के भी हैं, प्लानिंग असिस्टेंस के भी दिए गए हैं। तो अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है? अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन है, तो क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपना इसके लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और डाउनलोड सप्लाई डाउनलोड सिलेबस कहाँ से है, तो यहाँ पे अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सिलेबस के सामने ही दिया गया है क्लिक हियर, उस पर क्लिक करना है आपको। तो वहीं से आपको सिलेबस निकाल के सब कुछ इस यहीं से पढ़ाई करना है। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ चुका है, आपको इसी फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स सब दिए गए हैं, यहाँ पे आप कैंडिडेट डिटेल्स सब फिल कर लेना है। और यहाँ पे जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लेना है, एक्सपीरियंस डिफेंस ईयर्स लिखना है, मंथ डे और सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, कोई इशू हुआ है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू अगर हुआ है तो उसको फिल कर लेना है, सपोर्ट स्पोर्ट्स टाइप का फिल कर लेना है, कौन से स्पोर्ट्स से हैं आप, और यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, कौन से स्पोर्ट का जो आपने स्पोर्ट्स किया था उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशू जो था वो फिल कर लेना है। यहाँ पे सब कुछ ऐसे दिया गया है, आप समझ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ का। और आर यू इंडियन सिटीज़न, क्या आप भारत के नागरिक हैं? यह हैं तो यस कीजिए, अगर आप कोई अदर कंट्री के हैं तो नो कीजिए। ऐसे ही आपको फिल कर लेना है सब कुछ। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पे का ऑप्शन आएगा, उसको पे कर लीजिएगा आप अपना।
इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और उसका सिलेबस आप देख के उससे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इसका, आप वहाँ पर जाके अपना इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।